नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। कोरोना वायरस की चुनौती देश और दुनिया के लिए कितनी गंभीर है, ये बताने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जनता से अपील की है कि वो इस महामारी से निपटने के लिए स्वैच्छिक तौर पर सामने आए, साफ सफाई रखें, आपस में दूरी बनाए रखें, जितना हो सके घरों में ही रहें। प्रधानमंत्री ने इस काम में सभी लोगों का सहयोग मांगा है और कहा है कि इस बीमारी का अभी कोई इलाज नहीं है और ना ही इसकी कोई वैक्सीन है, इसलिए बचाव ही इसका उपाय है। उन्होंने कहा है कि लोग जमाखोरी ना करें, ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई जारी रहेगी, बुज़ुर्गों का खास ख्याल रखें। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि इस रविवार को सुबह 7 से रात के 9 बजे तक जनता कर्फ्यू रहे, यानी जनता अपनी मर्जी से घरों में रहे। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। हां, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है। लेकिन एक नागरिक के नाते न हम जाए और हम देखने के लिए भी न जाएं। साथियों, 22 मार्च को हमारा ये प्रयास, हमारे आत्मसंयम, देश हित में कर्तव्य पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की सफलता, इसके अनुभव हमें आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार करेंगे। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वो जनता कर्फ्यू का पालन कराने का नेतृत्व करें। मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि आने वाले कुछ सप्ताह तक, जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। जितना संभव हो सके आप अपना काम, चाहे बिजनेस से जुड़ा हो, ऑफिस से जुड़ा हो सके तो अपने घर से ही करें। जो सरकारी सेवाओं में हैं, अस्पताल से जुड़े हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, इनकी सक्रियता तो आवश्यक है, लेकिन समाज के बाकी सभी लोगों को, खुद को बाकी भीड़भाड़ से, बाकी समारोह से आइसोलेट कर लेना चाहिए। मेरा एक और आग्रह है कि हमारे परिवार में जो भी सीनियर सिटीजन्स हो, 60-65 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति हो, वो आने वाले कुछ सप्ताह तक घर से बाहर न निकलें। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा मौजूद हैं। पहले अखिलेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री को बाहर निकल के क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि हम लगातार जब कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें इस तरह से जानकारियां मिल रही हैं कि स्कूल बंद हैं, तो माता पिता क्या कर रहे हैं कि बच्चों को लेकर बाहर जा रहे हैं जरूरी सामान लेने के लिए, तो ये बहुत जरूरी था ये संबोधन उनका। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा निधि, क्योंकि ये संदेश देना जरूरी है कि ये जो समस्या है ये बहुत गंभीर समस्या है। लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, जैसा खुद पीएम ने कहा कि लोग बाहर घूम रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इसको हल्के में ले रहे हैं। इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया है, और इसका एक ही इलाज जो बचाव है वो इलाज है। तो आपने देखा कि वुहान में क्या हुआ कि लोगों ने इस तरह से कहें कि सेल्फ इम्पोज्ड क्वारंटीन किया, हमने देखा इटली में लोगों ने ये किया है कि वहाँ पर किस तरह से हो रहा, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। दूसरी बड़ी बात ये निधि कि जो उन्होंने कहा है कि 5 बजे आपको रविवार को, जनता कर्फ्यू की बात तो कही है, 5 बजे शाम को आपको खड़े होकर के 5 मिनट के लिए उन लोगों का आभार व्यक्त करना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी, जो कि
इतने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहूँगी चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं तमाम धार्मिक स्थल बंद किए जा रहे हैं, हमने देखा सिद्धि विनायक बंद किया गया, आज तिरुपति की भी खबर आई वो बंद किया गया, यूपी से खबर ये आई आज की रामनवमी के मेला जो राज्य सरकार कर रही है, तो हम एक दिन की चुनौती को तो करेंगे लेकिन प्रधानमंत्री के राज्य सरकारों को किस तरह से समझाएंगे? मुझे लगता है कल जो पीएम मोदी की बातचीत होगी मुख्यमंत्रियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो करने जा रहे हैं, उसमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन उन्होंने राज्य सरकारों का जिक्र किया है, उन्होंने जनता से अपील की है कि जो राज्य सरकारें निर्देश दे रही हैं आपको उनका गंभीरता से पालन करना होगा। हम देख रहे हैं निधि, दिल्ली की आप बात कर रही थी, महाराष्ट्र में हमने देखा है, पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो रहा है, कर्नाटक में भी कई कदम उठाए गए, हर जगह हर सरकार कुछ ना कुछ अपनी ओर से कदम उठा रही है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं ये उसी दिशा में है कि आपको आने वाली समस्या के लिए तैयार किया जा रहा है। जो जनता कर्फ्यू की बात है मुझे लगता है वो भी इसीलिए है। बिल्कुल। और जो आभार व्यक्त किया जा रहा है, शाम को 5 बजे आपसे कहा जा रहा है कि 5 मिनट अपने दरवाजे पर खड़े होकर आभार उन लोगों का व्यक्त करें जो डॉक्टर्स का, नर्सेस का, उन एयर इंडिया के लोगों का जो बाहर से लोगों को सफाई कर्मी है लगे हुए हैं, तमाम सफाई कर्मी, तो बहुत बहुत सफाई कर्मी भी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। तो वाकई ये अहम है कि किस तरह से आम नागरिक भी समझे अपना दायित्व और राज्य सरकारें भी समझें अपना दायित्व। तो इस बीच भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद 175 हो गई है और इनमें सबसे अधिक 42 केस महाराष्ट्र के हैं। गुरुवार को कोरोना वायरस से एक की मौत हो गई। पंजाब में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही कोरोना से भारत में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। हालत से निपटने के लिए सरकारों ने कई आपात उपाय किए हैं। एहतियातन तमाम सार्वजनिक जगहों पर साफ सफाई का काम चल रहा है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि आज से 4 अप्रैल तक ग्रुप बी और सी के 50% सरकारी कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे और बाकी घर से काम करेंगे। ये काम रोटेशन में चलेगा, यानी जो कर्मचारी इस हफ्ते घर से काम कर रहे हैं वो अगले हफ्ते दफ्तर आएंगे। CBSE और JEE समेत तमाम परीक्षाएं टाल दी गई हैं। नई तारीखों का ऐलान 31 मार्च के बाद किया जाएगा। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीती आधी रात से बंद कर दिया गया है। उधर पश्चिम रेलवे ने मुंबई में AC लोकल ट्रेनें सेवा को 31 मार्च तक बंद कर दिया है। पूरी कोशिश है कि भारत में स्टेज 2 में चल रहे कोरोना वायरस को स्टेज 3 में पहुँचने से रोका जाए। तो एक बार फिर बात बता दें कि स्टेज 2 में वही लोग कोरोना से संक्रमित हैं जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के सीधे संपर्क में आए या कोरोना ग्रस्त देशों से भारत आए, जबकि स्टेज 3 जो है उसका मतलब है कि कम्युनिटी स्प्रेड यानी सामुदायिक संक्रमण। इसमें यह पता नहीं चल पाएगा कि किसी को संक्रमण हुआ तो कैसे, क्योंकि तब इतने ज्यादा लोग संक्रमित होंगे कि सबका पता चलना मुश्किल होगा और कई लोगों में लक्षण भी नहीं दिखेंगे, वो कोरोना वायरस के करियर होंगे और इस स्टेज पर भारत ना पहुंचे, यही सरकार की कोशिश है। यही कोशिश हम सबकी भी होनी चाहिए कोरोना वायरस किस स्टेज में है इसका पता लगाने के लिए। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 820 रैंडम सैंपल लिए। देश भर के 50 लैब्स में ये सैंपल उन लोगों के लिए गए जिनमें सांस की तकलीफ, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा के लक्षण दिखे और इसके तहत वो अस्पतालों में भर्ती थे। राहत की बात यह है कि सभी सैंपल नेगेटिव आए हैं, यानी इनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखे। हालांकि ICMR का मानना है कि भारत की आबादी को देखते हुए ये सैंपल बहुत ही छोटा है और अब वहाँ से नमूने लेने की ज़रूरत है जहाँ से कोरोना के ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। आई सुनते डॉक्टर बलराम ट्रांसमिशन की। हम लोगों ने एक रैंडम सैंपलिंग वाली स्टडी की है जिसमें 820 सैंपल्स 50 साइट्स पे से मंगाते हैं और उसमें नेगेटिव आया है और अभी इसको हम स्केल अप करेंगे क्योंकि अभी इस स्टडी के मुताबिक कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ। क्या आपने सिर्फ सारी और गवर्नमेंट लैब से ही देखे हैं सैंपल सारी केसेस? अभी तो सरकारी लैब से देखे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में देखे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी हम ये करने वाले हैं। और ये सब सिर्फ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन केसेस हैं? सिर्फ सीवियर रेस्पिरेटरी। सर, आगे ये सैंपल की स्केलिंग अप करने का प्लान है ICMR का? हम ये 52 की जो संख्या है वो 100 तक लेके जाएंगे। और आपको बता दें, इस बीच दुनिया भर की स्थिति आपको बता देते हैं। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद 2.25 लाख से ऊपर पहुंच गई और ये लगातार बढ़ रही है। खास बात यह है कि अब चीन से नए केस आने काफ़ी कम हो गए हैं। वहाँ कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा ग्रस्त वुहान और हुबेई प्रांत में कोई नया केस सामने नहीं आया है। अब सबसे ज़्यादा नए मामले
आपको बता दें इटली, ईरान, स्पेन, जर्मनी और अमेरिका से आए हैं। इटली में तो कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद 35,000 से ज़्यादा हो चुकी है। ईरान में ये 18,000 से ऊपर हैं, स्पेन में 17,000 से ज़्यादा, जर्मनी में 13,000 से ज़्यादा और अमेरिका में 9,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और आपको बता दें मेरे साथ अभी खास मेहमान डॉक्टर वी के पॉल, सदस्य स्वास्थ्य नीति आयोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो मैं आपसे यही जानना समझना चाहूँगी, प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा इस समय, प्रधानमंत्री ने जो एक तरह से जनता कर्फ्यू की बात की है, एक दिन की ये कर्फ्यू की ही बात है एक तरह से, कि जनता स्वैच्छिक तौर पर घरों से ना निकले सुबह 7 से 9 बजे तक, कितना ज़रूरी ये कदम आप मान रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने आज जो जनता से बातचीत करी है, एक एल्डर की तरह, परिवार के मुखिया की तरह एक बात करी है, और उन्होंने हमें इस महामारी के आगे जो समस्याएं, चैलेंजेस आ सकते हैं उसके लिए जागरूक भी किया है, और जो देश की एक एफर्ट है और देश का जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता है जिसके साथ हम इसका मुकाबला कर रहे हैं, उसको एक ऊपर और ऊपर एक आयाम पर आज लेके चले गए हैं। आज से इसका नैरेटिव जो है इस महामारी को काबू में लाने का, और हमारे देश में तो हम काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरह से बचे हुए हैं कि आगे ना हो, तो एक पूरी नई नैरेटिव उन्होंने आज शुरू करी है, और उसके अंतर्गत जो एम्फेसाइज किया गया है वो जन भागीदारी की बात है, जन आंदोलन की बात वो सामने लेके आए हैं, हमारे सामने वो हमें प्रिपेयर कर रहे हैं कि क्या हम अपना संयम रख सकते हैं, अपनी दृढ़ता हम दिखा सकते हैं, और अपने आप को डिसिप्लिन करते हुए उन सब चीज़ों को करें जिससे कि हम भी इस बीमारी से बच सकते हैं और हमारे साथ हमारे फेलो सिटीजन, हमारे परिवार भी इससे बच सकते हैं। जो उन्होंने जनता कर्फ्यू का एक मॉडल पेश किया है, उसके पीछे सोच है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि ऑलरेडी एक गाइडलाइन हो रही है, और सब स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार सब मिलके और समाज पूरी तरह से उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसको एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं कि अगर हम ये नौबत आती है कि हम अपने आप को घर में सीमित करेंगे, तो उसकी एक ड्रिल, उसका एक तैयारी और उसका एक नमूना हम सब एज अ नेशन सामने लेके आ जाएं। डॉक्टर पॉल, इसमें उन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया है जी। हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं, और जब से हमारे स्कूल कॉलेजेस तमाम राज्य सरकारों ने बंद किए हैं, आप लोगों का क्या असेसमेंट है? क्योंकि प्रधानमंत्री का जब बाहर आके प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, एक दिन पहले प्रधानमंत्री आके देश को संबोधित कर पहले जानकारी दे दी जाती है, तो क्या आपका असेसमेंट लेवल है जो स्कूल्स में बच्चों की छुट्टी है, जो कॉलेजेस में बच्चों की छुट्टी है, दिल्ली सरकार के भी हम दृश्य देख रहे हैं, दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि भाई रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए जाएंगे, क्या लोग अभी हमारे देशवासी, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं दिख रही है, क्या इसका मतलब ये है कि लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं? क्या असेसमेंट है आपका? माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात तो बिल्कुल शुरू में कही कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स हैं जिनकी चर्चा आपने करी है वो बताए गए हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन उस सीरियसनेस से एज अ नेशन अब हम अभी तक हम तैयारी करके और इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए आज उनको सीधा आके हमें गाइड करने का ज़रूरत महसूस हुआ, और उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को और इसकी बीमारी के आगे बढ़ने की आशंकाओं को सीरियसली ले लीजिए, और उस सीरियसनेस में उन्होंने हमारी दृढ़ता को, हमारे संयम को और हमारी कमिटमेंट को दिखाने के लिए और एक ड्रिल की तरह एक दिन का उन्होंने आह्वान किया है कि उस दिन जनता कर्फ्यू होगा, हम दिखाएंगे कि हम अपने घरों तक सीमित रह सकते हैं, हम दिखाएंगे कि हमारे हम अपने परिवार को, अपने को और दूसरों को इस इन्फेक्शन से बचाने में जो सबसे कारगर एक ही मुद्दा है अपने आप को बचाने का सोशल डिस्टेंसिंग से, वो हम पेश कर सकते हैं, और नेशन वाइड होगा, क्योंकि इस कड़ी में एक छोटा हिस्सा भी जब गिरेगा, टूटेगा, तो इन्फेक्शन लीक होती है, इन्फेक्शन कहीं भी पहुंच सकती है, और ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, हम सबके लिए है।
तो उसका उन्होंने एक मॉडल हमारे सामने पेश किया कि आप इसको करके दिखाइए और देश इससे जुड़ेगा, देश का जो जो कमिटमेंट है वो उभर के आएगा और हम देख पाएंगे कि आगे अगर और चुनौतियां आती हैं आर वी रेडी टू कोप अप विद दैट। जी, तो आज ये प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले एक एडवाइजरी भी आई कि जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो बाहर ना निकलें, 65 साल से जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर से ना निकलें, ये एक एडवाइजरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़ाहिर तौर पर ये बहुत अहम है, जो ये बच्चों का भी जो एज ग्रुप सामने रखा गया, स्कूल्स बंद हैं लेकिन वो निकल रहे होंगे, तो स्पेसिफिक निर्देश राज्य सरकारों को क्या दिए जा रहे हैं? क्योंकि जो तमाम हम अखबारों में भी देखें, एग्जिबिशंस के विज्ञापन आप देखेंगे, तमाम मंदिर बंद हैं लेकिन अभी भी जो हमारे रिलीजियस कुछ त्यौहार हैं, जैसे यूपी की सरकार रामनवमी का एक मेला है आयोजन कर रही है, तो स्पेसिफिक क्यों नहीं आदेश राज्य सरकारों को भी दिए जा रहे? सरकारें कह रही हैं कि भाई आप नंबर्स में जमा ना हो, शादियां करें लेकिन कम नंबर्स में हो, ज़्यादा 50 से ज़्यादा ना हो, दिल्ली में जैसा ये है, मुंबई में मुझे आज बताया गया कि रेस्टोरेंट्स वहाँ पे खुले हुए हैं, लोग जा रहे हैं, बड़ी बड़ी शादियां हो रही हैं, हम तमाम ये देख रहे हैं, तो ये उस लिहाज से राज्य सरकारों को स्पेसिफिक डायरेक्शंस क्यों नहीं दिए गए अभी तक? देखिए, ये जो एडवाइजरी दी गई है सारे देश के लिए दी गई है, सारी जनता के लिए, सब सिटीजन के लिए दी गई है। अब हमारे देश में हम अभी तक उस मोड में हैं कि हम वॉलंटरली हम करें, अपनी तरफ से करें, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही आगे का रास्ता है, और उसी में आगे एनर्जी और ताकत और इमोशन और देश प्रेम लाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को आगे बढ़ाया है कि जहाँ तक आप पहुँचे हो अभी तक हम बचे हैं, हमने पूरी कोशिश करी है, बहुत तरीके से करी है, लेकिन जो स्टेप्स हमें अगली दशा से बचाएंगे वो हम पूरी तरह से नहीं ले रहे, ये सामने आया है और उसका आपने एग्जांपल खूब सारे दिए हैं। और इसीलिए दो तरह के ट्रैक किए हैं, एक तो उन्होंने हमें कह दिया है कि आप ड्रिल करके दिखाइए कि परफेक्ट एक सोशल डिस्टेंसिंग का मॉडल सामने लेके आइए रविवार के दिन, और आभार प्रकट करिए उन व्यक्तियों का, उन संस्थाओं का जो हमें बचाने में अपनी जान का रिस्क लेकर चले। दूसरा, आप जो एडवाइजरीज की बात कर रहे हैं और उससे पहले भी जो सोशल डिस्टेंसिंग की एडवाइजरी आज, उसको भी परिप्रेक्ष्य में रखिए, क्योंकि वो जो काम हो रहे हैं वो ऑनगोइंग है, वो 22 तारीख के लिए ही सीमित नहीं है, वो आज भी ज़रूरी है, कल भी ज़रूरी है, और 22 के बाद भी ज़रूरी है, और ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसी एडवाइजरीज और आएंगी। और वो एडवाइजरी भी हमें क्या कहती है कि हमारे बुजुर्गों को अंदर रखिए, प्लीज़ बच्चों को घर के अंदर रखिए, बाहर खेलेंगे फैलेगी और आगे तक जाएगी। फॉर्चुनेटली ये बीमारी बच्चों में कमज़ोर है, कम हो रही है, और ये खुशकिस्मती है हमारी, पर कोई पता नहीं इस वायरस का कैसे बिहेव करे आगे जाके। तो हम अपनी ओल्ड जनरेशन को और बच्चों की भावी जनरेशन को बचाना चाहते हैं, एक क्लियर एडवाइजरी उसके ऊपर आ गई है। उन्होंने इंडिकेट किया कि आप ट्रैवल मत करिए, कुछ कंसेशन जो हम देते थे सीनियर सिटीजन्स को वो आज से बंद हो गए हैं। क्या हिंट दिया जा रहा है, प्लीज़ मत ट्रैवल करो, अगर आपको यात्रा करनी है बहुत बहुत ज़रूरी है मेडिकल रीजन के लिए तभी आइए। उन्होंने फिर ये कहा कि इलेक्टिव सर्जरी की डेट आगे लीजिए, अस्पतालों में रूटीन चेकअप, तो हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में डालना चाहिए। और ये भी आपने शायद नोट किया होगा, एडवाइजरी में 22 तारीख से सारी की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स विल नॉट लैंड इन इंडिया। तो एक मैं कहना चाहूँगा कि आज उनके संबोधन के बाद हमारे देश का जो डिटर्मिनेशन है और नैरेटिव है और प्रिपेयरनेस है वो अब एकदम नए लेवल तक आज पहुंच गया है। बिल्कुल, और उस लेवल पर आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि हम देख रहे हैं कि ये महामारी दूसरे देशों में कैसे फैली है, क्या हम उससे बच सकते हैं, क्या हम उस दशा से अपने आप को बचा सकते हैं अपने लिए, देश के लिए और विश्व के लिए। बहुत ज़रूरी है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ डॉक्टर सुमित भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सुमित भास्कर, डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर सुमित, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी कहा गया है एक एडवाइजरी के तहत 65 साल से जो उम्र के हैं वो घर से बाहर ना निकलें, आप हमारे बुज़ुर्गों को समझाइए या जो उनके आसपास लोग रहते हैं किस तरह का ध्यान उनको इस समय रखने की ज़रूरत है?
चलिए कोशिश करेंगे डॉक्टर सुमित से बात करने की दोबारा, क्योंकि ये बहुत अहम है कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं सबको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही बैठिए। हमारी कोशिश यही थी कि अगर कोई डॉक्टर उनसे यहाँ के एक, मुझे कहा जा रहा है डॉक्टर सुमित अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आप क्या कहेंगे एहतियात क्या बरते हमारे बुज़ुर्ग? यस मैम, मैं उनको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि वो होम क्वारंटाइन में रहें, यानी अपने अनावश्यक जो भी मूवमेंट्स हैं उनको अवॉइड करें, कोई भी धार्मिक या सामाजिक फंक्शंस में जाना अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, बार बार अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखें, बार बार साबुन से या अल्कोहल युक्त किसी भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए, कफ हाइजीन का ध्यान रखें, खांसते वक्त छींकते वक्त या तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें या मुड़ी हुई कोहनी का इस्तेमाल करिए, और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब अनावश्यक रूप से किसी भी सामाजिक या धार्मिक फंक्शन में ना जाएं, ना किसी से मिलें, किसी से मिलते जुलते वक्त भी 1 से 2 मीटर तक का डिस्टेंस बना के रखिए, हैंड शेकिंग अवॉइड करिए और बेटर रहेगा नमस्ते का प्रयोग करिए, इन्हीं सब तरीकों से हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके साथ साथ उनको अपनी बैलेंस डाइट भी लेना चाहिए और प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर पानी का सेवन करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी सामाजिक धार्मिक उसमें ना जाए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की एक ये कोशिश रहती है कि कोई भी अगर भजन कीर्तन या हमारे चर्च या कहीं पे भी जाना हो तो वो जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, उनका एक चेंज होता है बड़े बुजुर्गों का, फिर जिस तरह से शादियाँ होती हैं उसमें ज़रूर जाते हैं, तो उस लिहाज से ना जाएं, धार्मिक सम्मेलनों में ना जाएं। सिर्फ 15 दिन की बात है, अगर 15-20 दिन ये एहतियात कर लेंगे तो बीमार नहीं होंगे। लेकिन मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी थी, तमाम बुज़ुर्ग जब सुबह वॉक पे जाते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत रूटीन का हिस्सा बन चुका है, उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज ये होता है, क्या वो अपनी मॉर्निंग वॉक्स के लिए जा सकते हैं या क्या करें अगर 15-20 दिन अगर एहतियात बरतनी है तो? मॉर्निंग वॉक के लिए भी अभी जाना तो एडवाइजेबल नहीं होगा, उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप घर के अंदर ही चहलकदमी कर सकते हैं या घर के अंदर बैठ के आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, जिसके जरिए आप घर पे बैठे ही अपने फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं, उसके लिए आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ 1 से 2 हफ्ते का ही ये क्रूशियल पीरियड है जिसमें हम स्टेज 3 पेंडेमिक से बच सकते हैं, अभी तक भारत स्टेज 2 में ही है और इसी स्टेज पे इसको बीमारी को रोकने के लिए हमें अभी जो प्रयास हैं वो उठाने पड़ेंगे, ये सिर्फ 1 या 2 हफ्ते की बात है। डॉक्टर साहब तैयारी क्या है आप लोगों की, किस तरह से प्रिपेयर्डनेस है अगर ये बढ़ता है और हमारे बुजुर्ग इसके चपेट में आते हैं तो? मैम हमने एम्स ट्रॉमा सेंटर को और जो हमारा झज्जर में सेंटर है उसको डेजिग्नेट किया हुआ है इसके लिए, ठीक है, और ऐसा कुछ भी होगा तो हम पूरी तरह से उससे निपटने के लिए पूरी समुचित प्रयास हमारे जारी हैं, हमारे पास पूरी इसके लिए जो लैब किट्स हैं वो भी अवेलेबल है। बस आपने जो बात बोली एंड में, अंत में डॉक्टर पॉल मैं आपसे जानना चाहूंगी, तमाम चीजों पे लोग बार बार एक सवाल उठा रहे हैं, शायद हमारे यहाँ टेस्ट कम हो रहे हैं और अब जिस तरह से ICMR लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि नई टेस्ट और भी होंगे, रैंडम सैंपलिंग भी जो हुई है उसमें भी कहा गया है कि जो नेगेटिव पाए गए हैं, तो उस लिहाज से क्या अब ये बढ़ेगा, टेस्टिंग बढ़ेगी? संक्षेप में आंसर जी। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो टेस्ट किए जाते हैं वो 2 वजह से चर्चा में आते हैं और हम मिक्स कर देते हैं। पहला है कि हम टेस्ट कम्युनिटी में कर रहे हैं ताकि जाने की बीमारी कितनी है और कहाँ तक बढ़ रही है, तो उसके लिए ICMR के अलावा हमारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भी जहाँ जहाँ भी हॉटस्पॉट्स हैं ये वहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से पेशेंट्स को ट्रैक कर रहा है, 50,000 से भी ज़्यादा पेशेंट नहीं कहना चाहिए, व्यक्तियों को ट्रेस अच्छा, कर रहा ये है, बड़ी बात है कि वहाँ पे क्या हो रहा है और सैम्पलिंग हो रही है, ये एक सर्वेलेंस है। ये हॉटस्पॉट्स कहाँ पे है सर, ये हॉटस्पॉट्स कहाँ पे हैं? अगर आप मैप देखें, जैसे मैप देखें, जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस हैं, ठीक है, शुरू में किसी स्टेज तक आगरा में एक क्लस्टर आपको दिख रहे थे, ठीक है, तो जहां फिर केरल में बना था, तो जहां भी ये हो रहे हैं वहां पे एक हमारा पैरेलल सिस्टम है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस का, वो भी इसको वॉच कर रहा है। सर आपने ये बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद सर,
मेरे पास समय इतना ही है, आज मुझे कहा जा रहा है समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन वाकई में आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल प्रधानमंत्री की ये नसीहत है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और 22 मार्च को जो कि रविवार है जनता कर्फ्यू होगा। एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर प्रदेश की 71 जेलों में बंद 1,00,000 से ज्यादा कैदियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए जेल प्रशासन ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इनमें उन्हें बचाने की कोशिश तो की ही जा रही है, उनसे 30,000 मास्क रोज सिलवाए जा रहे हैं। ये मास्क कैदियों के भी काम आएंगे और आम जनता को भी सप्लाई किए जाएंगे ताकि बाजार में मास्क की कमी कुछ दूर की जा सके। लखनऊ की मॉडल जेल में कैदी अब एक नए रोल में हैं। जिन्हें भी सिलाई आती थी उन्हें मास्क बनाने की ड्यूटी दे दी गई है। यूपी की 15 जेलों में मास्क बनाने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये मास्क प्रदेश की 71 जेलों में बंद 1,00,000 से ज्यादा कैदियों के लिए भी इस्तेमाल होगा, बाहर भी सप्लाई किया जाएगा। जो हमारा सिलाई यूनिट जेलों में है वो मास्क बना रहा है और ये मास्क न केवल जेल में बंदी और जेल कर्मियों को दिया जा रहा है, बल्कि हम लोगों ने ये भी घोषणा की है कि अगर कोई बाहर के व्यक्ति या कोई समूह या कोई सरकारी संस्था यदि ऑर्डर प्लेस करती है तो हम ऑर्डर पे कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे उनको मास्क बना के देंगे। यूपी की 15 जेलों में 30,000 मास्क रोज तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें दूसरी जेलों में भी सप्लाई किया जा रहा है। हमारे पास 29 मशीनें हैं, सभी मशीनों पर, सभी सिलाई मशीनों पर मास्क का निर्माण किया जा रहा है। हमारे यहाँ का जो मास्क निर्माण हो रहा है वो डबल लेयर है। इसके अलावा सभी बंदी रात में भी करते हैं, दिन भर में भी करते हैं। हमारी क्षमता 2,000 मास्क प्रतिदिन तैयार करने की है। यूपी में 71 जेल हैं जिनमें 1,00,000 से ज़्यादा कैदी हैं। तमाम ऐसी जेलें हैं जिनमें उनकी क्षमता से कैदियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तमाम कैदी बिना पढ़े लिखे हैं, जिन्हें कोरोना से बचाना एक बड़ी चुनौती है। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन प्रत्येक जेल में किया गया है, जिसके अध्यक्ष वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं और उसके सदस्य वहाँ के जेलर हैं, वहाँ के चिकित्सक हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है। ये स्पेशल टास्क फोर्स डेली बेसिस पे जेल में मॉनिटरिंग कर रही है। अब सारी जेलों में गेट पे ही थर्मल स्कैनर से लोगों का टेम्परेचर जांचा जा रहा है। जेलों के गेट पे ही लोगों को सैनिटाइज करने का इंतजाम किया गया है। जेल के अंदर भी बैरक्स में साबुन और सैनिटाइजर सप्लाई किए गए हैं। पढ़े लिखे कैदियों से अनपढ़ कैदियों को सफाई की जानकारी दिलवाई जा रही है। बंदी जिनको जुकाम खांसी ये सब हुआ है उनको हम लोगों ने करीब 1,000 बंदियों को प्रिकॉशनरी पहले से दे रखा है कि यदि उनको खांसी जुकाम आदि हो तो उसको लगा के इसका इस्तेमाल करें। और हमारे चिकित्सक गण इस पर लगातार 4 डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट हैं मॉनिटर कर रहे हैं, जो भी लगता है कि संदिग्ध हैं उन्हें हम आइसोलेट अभी कर रहे हैं। आमतौर पर जेल में बंद लोगों के बारे में आवाम की राय अच्छी नहीं होती है, लेकिन आज वक्त पड़ने पर वो बड़ा काम कर रहे हैं। जेल के कैदियों की भी हिफाजत की कोशिश कर रहे हैं और आवाम की भी। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।